अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर चावलों का इरादा हो गया, चिकन पुलाव बनाएंगे। तो ये देखें, चावल मैंने भिगो के रखे हैं, 1.5 गिलास चावल है जी। ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन हो गया। एक पूरी मंगाई थी, आधा मैंने कहा मैं बना लेती, तो आधा मैंने रख दिया है। तो अब इसकी मैं यखनी बनाऊंगी। यखनी में ये देखें मसाले पड़े हुए हैं, सारे साबुत गर्म मसाले हैं। इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट है और थोड़ा सा नमक डालें हसबे ज़रूरत। चले अब हम अपना यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और सारे साबुत गर्म मसाले डाल दिए, साथ नमक डालें और उसके बाद खुश्क धनिया भी डालें। इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करूंगी और यखनी बनना रख दूंगी। हमारी यखनी जो है ना, तकरीबन 1 घंटा हल्के आंच पे बनती रहेगी ताकि अच्छी तरह उसका असर निकल जाए। देखिए यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं। अब ये देखिए, मैं एक प्याज काटने लगी हूँ बारीक बारीक, और एक टमाटर है इसको बारीक बारीक काट लूँगी स्लाइस में। सबसे पहले देखें, आयल में ना थोड़े से गर्म मसाले डाले हैं, इनकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, इनका हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें प्याज डाल दिए, इनको भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब देखें प्याज हो गई गोल्डन ब्राउन, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च शामिल करूँगी। मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें भून रही हूँ मैं टमाटर और प्याज, टमाटरों को भी नरम कर लेना है बिल्कुल। अब थोड़ा सा पानी डालने लगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर चिकन डाल के भूनती हूँ। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इनको अच्छी तरह भून लूँगी। मसाला देखिए तैयार हो गया, अब मैं इसमें चिकन डालती हूँ और चिकन डाल के अच्छी तरह भूनती हूँ। ये देखिए यखनी में से चिकन निकाल ली मैं और उसमें डाल लूँगी। मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह बन चुका है, और अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डालती हूँ थोड़ी सी। अब देखें मसाला कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। अब इसमें ना मैं 2.25 गिलास पानी वो यखनी वाला जो है ना वो डालूँगी। ये देखें अब यखनी में उबाला आ रहा है ना, तो इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। अभी चावल डाल के तो फिर इसको हिलाती जुलाती हूँ। अब यखनी को अच्छी तेज़ आंच पे सुखा के तो फिर ऊपर ज़ीरा डाल के चावलों को दम दे देंगे। देखें 15 मिनट के बाद मैं दम खोलने लगी हूँ, और ये देख लें कितना खूबसूरत दम आ गया। अभी मैं आपको हिला जुला के दिखाती हूँ। अब देखें ये चावल कितने खूबसूरत बने हैं और ये बहुत मज़ेदार भी हैं। ये देखिए ये है इनकी फाइनल लुक, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, और जो मेरे चैनल देखते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।